अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाने मेरी जान ले लेगी एक दिन। जरा सी मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, दो मिनट ठहरो। रूपा ने जैसे ही कमलेश के कंधों को छुआ, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ा। अरे वाह रूपा, तुम तो एकदम जादूगरनी निकली। तुम्हारे मुलायम हाथ के स्पर्श होते ही जैसे तन में एक नई जान आ गई हो। मेरा दर्द पता नहीं कहां गायब हो गया। अब रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने, बहुत काम पड़ा है। रूपा किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। तभी कमलेश बिस्तर से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा, जो उसे खाली मिली। उसने फिर एक बार रूपा को आवाज लगाई। अरे माफ करना, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूँ। वो दरअसल मेरी दवाइयाँ ना जाने कहाँ रखी है, उसे जरा ले आना। तुम भी ना हद करते हो, अपनी दाई पॉकेट में हाथ लगाओ। कमलेश जैसे ही अपनी दाई जेब दोबारा से टटोलता है, उसे उसमें उसकी दवाइयां मिल जाती है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले जब उसने अपनी जेब चेक की थी तब तो उसे खाली मिली थी, फिर अचानक दवाइयां। खैर, इसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ। सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना, और ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी चेयर को चेक कर लेना, तभी उस पर बैठना, समझे? कमलेश को रूपा की बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। वो उस पर हंसते हुए कहता है, अच्छा मैडम ऐसा है क्या, ठीक है अब मैं निकलता हूँ। फिर कमलेश बाहर सड़क पर सवारी के इंतजार में होता है। तभी उसे सामने एक टैक्सी आती दिखाई देती है, जिसके बम्पर पर एक लाल झंडा टंगा था। ओ टैक्सी, लेकिन एक मिनट, मैं इसे ले लूं या इसे जाने दूं? रूपा ने पहली सवारी लेने के लिए मना किया था। खैर छोड़ो, उसने भी ऐसे ही मजाक में बोला होगा। कमलेश इतना सब कुछ सोचकर उस टैक्सी को रोकने का मन बना लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ दिखाकर रोक पाता, वो टैक्सी उसके ठीक सामने से गुजर जाती है। ओफो, ये तो चली गई, अब दूसरी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद उसे अगली टैक्सी आती दिखाई देती है। वो तुरंत उसे हाथ दिखाता है और फिर उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोलता है, अरे साहब आगे तो बहुत भीड़ है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमलेश उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक्सीडेंट उसी पहली टैक्सी का था जिसे कमलेश ने नहीं लिया था। वो उस टैक्सी पर टंगे उस लाल झंडे को साफ साफ पहचान पा रहा था। कमलेश खुद को बड़ा किस्मत वाला समझ रहा था, जिस वजह से आज बाल बाल उसकी जान बच गई। खैर, इसके बाद वो दूसरे रास्ते से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को वो थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। क्या हुआ जी, कैसा रहा आज का दिन? अरे रूपा, तुम आज तुम्हारी बातों ने मुझे बचा लिया। मेरी बातों ने? क्या मतलब? हाँ वही टैक्सी वाली बात जो तुमने बोली थी कि पहली टैक्सी मत लेना, खतरा है, वही हुआ। जैसी ही मैं दूसरी टैक्सी से आगे पहुंचा, मैंने देखा उस पहली टैक्सी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, उस कलमूही के साथ रंगरलिया मनाने जा रहे हो, लौटना फिर बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? आप नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं कहा। अगले दिन
वो सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले से निकल जाता है और इधर रूपा एकदम अकेली हो जाती है। यहाँ कमलेश सड़क पार कर रहा होता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी खुशी दोगुनी होती चली जा रही थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी। जट से सोनाली को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। एक हफ्ता उस हुस्न की मल्लिका के साथ खूब मौज करूंगा। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथ अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, जहां उसके मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। एक हफ्ते बाद कमलेश खुशनुमा तरीके से अपने घर लौटता है। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम? वो इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था, सारे सामान टूटे फूटे फर्श पर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक घर की ट्यूबलाइट फ्लिक करने लग जाती है। घर का इतना गंदा माहौल देखकर कमलेश को रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चीखते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। रूपा, रूपा, ये क्या हालत कर दी है तुमने घर की? मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। इतना बोलते हुए कमलेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा हल्का सरकाता है, सामने उस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है उसका बेडरूम साक्षात कसाई खाना बना है। कमरे की छत पर जालर की बजाय लाश टंगी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं कमलेश तभी रूपा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए कमलेश तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रूपा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमोही के साथ रातें गुजार के। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनाली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है और हर पल की खबर रखती है। कमलेश घबराकर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे कमलेश की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाह कर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकती हुई आवाज कमलेश की तरफ बढ़ रही थी, और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ कमलेश को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो जाती है। एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था, जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था, इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम, तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है, इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता।
तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा, एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए, उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है, मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो, जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा।
नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है, अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिये को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिये को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिये को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला
और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे, हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर गांव की तरह हमारे गांव में भी एक पुलिस चौकी थी जहां 2-4 पुलिस वाले काम करते थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं होता था क्योंकि गांव में गुनाह कम होते थे। पर एक रात एक पुलिस वाले ने गलती से एक चुड़ैल को बंदी बना लिया और चौकी ले गया। उसके बाद सारे पुलिस वालों पर चुड़ैल का कहर बरसा। उसने पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर दिया और सारे पुलिस वालों को मार डाला और जाते जाते उनकी आत्माओं को शाप दे दिया कि जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं तब तक तुम इस चौकी में कैद रहोगे। गांव वालों को लगा कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भूतिया पुलिस बरसों से किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। रात के समय एक शराबी नशे में चौकी की तरफ आ रहा था। वो चौकी के नजदीक आया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके आते ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। शराबी ने देखा कि अंदर एक शराब की बोतल थी। वो उसे लेने के लिए अंदर भागा और दरवाजा बंद हो गया। शराबी ने बोतल उठाई और जल्दी से पीने लगा। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने अपनी चारों तरफ देखा तो वो डर गया। सभी तरफ पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चौकी का बुरा हाल था। अचानक सभी पुलिस वाले जिंदा होने लगे। ये सब देखकर शराबी और भी डर गया। सभी पुलिस वालों ने शराबी को घेर लिया। उनमें मोटा, छोटा और लंबा, ये 3 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों की हालत बहुत भयानक थी। सबके कपड़े फटे हुए और शरीर सड़ चुके थे। डरना बंद करो। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारी शराब पीने को मिलेगी। तुम्हें बाहर जाकर गांव में चोरी करनी होगी और उसके बाद गांव वाले हमें बुलाएंगे। फिर तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारेंगे। चौकी का दरवाजा खुला और शराबी बाहर भाग गया। शराबी के जाते ही छोटा पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगा, पर दरवाजे में जाते ही उसे शॉक लगा और अंदर गिर गया। क्या ये हमें बाहर निकालेगा? वो डरा हुआ है, वो जरूर हमारा काम करेगा। शराबी डरता भागता हुआ गांव में आया और एक घर में घुसने लगा। घर में अंधेरा था। वो खिड़की से अंदर गया और चोरी करने लगा। उसकी आवाज से घर वाले जाग गए। यहाँ पुलिस चौकी में बहुत सालों बाद फोन बजा। हेलो, हमारे यहाँ चोर घुसा है, आप जल्दी आइए। लंबे पुलिस वाले के फोन रखते ही चौकी का दरवाजा खुला। छोटे पुलिस वाले ने बाहर कदम रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर सारे पुलिस वाले खुशी से दौड़कर बाहर आ गए। अब हम आजाद हो गए। अब चलो, गांव वालों की नींद हराम करते हैं। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोटे पुलिस वाले ने उसे लात मार के अंदर गिरा दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर घुस गए। उस भूतिया पुलिस को देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बहुत डर गए। वो शराबी घर के एक कोने में बंधा हुआ था। वो आदमी और औरत चिल्लाते हुए घर में यहाँ वहाँ भागने लगे। मोटे पुलिस वाले ने छोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर
आदमी के पीठ पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे पुलिस वाले ने भी मोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर औरत पर दे मारा। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबे पुलिस वाले ने अपनी गर्दन लंबी की और दोनों को उसमें जकड़ लिया। इतने बरसों की तड़प थी, आज पूरी हो गई। इतना कह के उसने अपनी गर्दन से उन दोनों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों ही दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। उनके मुंह और कान से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उस पुलिस वाले ने गर्दन की पकड़ ढीली कर दी और वो दोनों नीचे गिर गए। तुम दोनों अपना अपना सिर वापस लगा लो, और भी घर बचे हैं। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया, अब मुझे शराब देकर जाने दो। जरूर जाने देंगे। इतना कहकर वो छोटा पुलिस वाला उस शराबी के पास गया और उसका सिर उखाड़ने लगा। शराबी की गर्दन से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस पुलिस वाले ने उसका सिर उखाड़कर अपने शरीर पर लगा लिया। मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं था। इतने में उस मोटे पुलिस वाले का सिर उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी अपना शरीर पसंद नहीं। उस मोटे पुलिस वाले ने अपना सिर उसके शरीर पर चिपका दिया। तीनों पुलिस वाले घर से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगे, चोर चोर भागो भागो, चोर चोर भागो भागो, चोर चोर भागो भागो। उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोग बाहर आए और उन पुलिस वालों को देखकर डर गए। आज इस पूरे गांव को ही खत्म कर देते हैं। इतना कह के वो तीनों पुलिस वाले गांव वालों पर टूट पड़े और सभी को एक एक करके मारने लगे।